पहले मैं खोल लेता हूँ github.com। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, ये डेवलपर्स का सोशल मीडिया है। अब इसमें मैं चला जाता हूँ अपनी प्रोफाइल में, योर प्रोफाइल। अच्छा, ये मेरी प्रोफाइल है। जैसे फेसबुक के अंदर कोई बंदा पोस्ट करता है तो github.com पे इस सेम चीज़ हो रही होती है पोस्ट वाली, लेकिन इसको कहते हैं रिपॉजिटरीज। तो आप इसमें रिपॉजिटरीज बनाते हैं। अच्छा, फेसबुक और गिटहब में जो डिफरेंस है वो ये है कि फेसबुक पे कोई भी कोड देखने नहीं जाता। फेसबुक पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, मीम्स वगैरह देखने जाते हैं, ठीक है, वीडियोस देखने जाते हैं। वहाँ पे कोई कोडिंग सीखने या कोडिंग करने या अपना सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए नहीं जाता वहाँ पे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, और इसमें जो भी लोग साइन अप होते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और यहाँ पे लोग एक दूसरे का कोड देखने ही आते हैं। अपना कोड या तो शेयर करने आते हैं या तो किसी दूसरे का कोड देखने के लिए आते हैं। अच्छा, तो ये रिपॉजिटरीज जो है ना, ये देखें 300 रिपॉजिटरीज ये बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि मैंने 300 कोड शेयर किया हुआ है। अच्छा, ये आप भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, ओवरव्यू में हम चले जाते हैं इसके। ये तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट की हुई है, इसको इग्नोर करके हम नीचे आए। तो यहाँ पे ना ये एक्टिविटीज़ बता रहा होता है, ठीक है, कि किस दिन मैंने कितना, जिस दिन मैं काम करूँगा और मैं शेयर करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन डॉट बना हुआ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें पता चल रहा है कि अच्छा यार, ये बंदा एक्टिव है, ये काम कर रहा है कुछ। अच्छा, और लोग इसको भी देखते हैं। जब आपका जो प्रोफाइल जब कोई फाइंड आउट करेगा तो वो लिंक्डइन पे भी आके आपको देखेगा कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप, ये वो है। अच्छा, github.com आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। मिसाल के तौर पे मैं, जैसे कि मैंने कल जिक्र किया था कि मेरा 10 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। अब क्या सबूत है भाई? अब डिग्री तो कोई है नहीं जो ये बताएगी कि 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, है ना। डिग्री तो ये होता है कि मैं बैठा था क्लास में, क्या किया था बैठ के, ये कुछ पता नहीं होता। डिग्री में ये लिखा भाई नहीं होता। डिग्री में ना तो मार्क्स लिखे होते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा था, डिग्री पर तो नहीं होता कुछ ये सब कुछ। वो तो बस अवार्ड हुई भी होती है डिग्री के, भाई आपने कोर्स अटेंड किया था, ये डिग्री आपकी अवार्डेड हो गई, आप ख़त्म। बात तो यही वजह है कि डिग्री की वैल्यू भी ख़त्म हो चुकी है। जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया ना कि ये तो जस्ट अटेंड करने की बात है, तो वैल्यू भी ख़त्म हो गई उसकी। तो ये आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। अब आप देखें, ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि 2020 में मैं क्या कर रहा था। 2020 पे क्लिक किया मैंने, ये आ गया। 2020 पे 3 महीने काम नहीं किया मैंने, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर कि 3 महीने मैंने काम नहीं किया। अच्छा, 2019 में मैं क्या कर रहा था। 2019 में भी मैंने शुरू के 3 महीने बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बाद में थोड़ा इनएक्टिव रहा हूँ क्योंकि कुछ इंटरनेशनल टूर्स वगैरह इसके दरमियान आए थे, तो वो टाइम सारा उसमें चला जाता था उसकी प्रिपरेशन में। अच्छा, और 2018 में आप देखें, 2018 में ये काम करता रहा हूँ। 2017 में आप देखें, अब ये किसी भी डॉट पे मैं क्लिक करूँगा ना, ये मैंने रैंडमली किसी डॉट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि लर्न रिएक्ट। अब ये रिएक्ट सीख रहा था मैं 2017 में, या किसी को पढ़ा रहा था, ठीक है। लर्न रिएक्ट का मतलब या तो सीख रहा था या तो पढ़ाने के लिए कोई कोड लिखा था। इसके अंदर जाऊँगा मैं तो वो सारा कोड दिख जाएगा जो मैंने लिखा था। अभी इसी तरह आपकी भी एक रिपॉजिटरी बन जाएगी आपकी क्लास की, तो जो भी कोड मैं यहाँ लिखा करूँगा वो लर्न मोबाइल डेवलपमेंट या लर्न वेब डेवलपमेंट, ऐसे करके एक रिपॉजिटरी बन जाएगी। तो ये देखें, ये सारा कोड, ये फोल्डर्स बने हुए हैं, ये सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक। तो ये कर रहा था मैं। तो ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लिखा हुआ कोड है ना, हाथ से लिखा हुआ कोड है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक अगर इंजीनियर है जो घर बनाता है, तो उसकी डिग्री को तो कोई डिनाई कर सकता है, लेकिन उसके हाथ के बने हुए घर हैं उसको कोई कैसे डिनाई करेगा, है ना। वो कह रहा है ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। अच्छा, मगर उसको भी डिनाई कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो बनाते हुए कोई देख रहा थोड़ी था कि इसने बनाया है, है ना। बनाते हुए तो कोई नहीं देख रहा था कि इसने बनाया, वो तो बन के खड़ा हुआ है, तो कोई भी कहता है कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। लेकिन ये आपकी प्रोफाइल में, ये आपके नाम के साथ एसोसिएटेड है, तो उसको जब अगर कोई बनाते हुए की वीडियो दिखाए ना कि अच्छा ये बन रहा था और स्टेप बाय स्टेप बनते हुए की वीडियो, तो ये वो वीडियो है पूरी, है ना। इसमें जो भी कोडिंग हुई हुई है, जो भी इसमें कोड लिखा हुआ होता है, जो आपने शेयर किया हुआ होता है, उसमें कब कब आपने क्या चेंजेस किए हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है, वो पूरा रिकॉर्ड आ रहा होता है। अच्छा, यही वजह है कि इसको हम क्या कहते हैं, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम कहते हैं। ये सोशल मीडिया तो खैर बाद में बना है, गिट जो है, इन द फर्स्ट प्लेस गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल क्या होता है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाते हैं आप उसको कमिट कर देते हैं, ठीक है, आप उस पर माइल स्टोन्स बना देते हैं।
और उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी आपको अगर हिस्ट्री में पीछे आना पड़े, टाइम में पीछे जाना पड़े, तो आप वो जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फोटोशॉप में अगर आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं तो आप कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, तो वो वाली पॉसिबिलिटी इसमें हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपके क्लाइंट ने आपसे कहा या आपके बॉस ने आपसे कहा कि यार ये जो आपने साइनअप का फॉर्म 3 महीने पहले जो इसमें एक छोटा सा लोगो लगाया था ना, जो उसी ने बोल के हटवा दिया था, कह रहा यार वो लोगो लगा दो इसमें, अच्छा लग रहा था वो। अब वो लोगो क्या करूँगा मैं? अच्छा, लोगो तो खैर छोटी सी चीज़ है, लेकिन कोई इस तरह की बड़ी चीज़ भी हो सकती है, कोई पूरा बाकायदा इम्प्लीमेंट हुआ हुआ फीचर, वो जो कि हमने हटा दिया हो या जो किसी वजह से साइड पे कर दिया हो, अब उसको वो दोबारा चाहिए। ठीक है, तो हम टाइम में पीछे जाएंगे, या सम टाइम ऐसा होता है सॉफ्टवेयर चलता चलता बंद हो जाता है। ये वो सारे प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जो इन फ्यूचर होने वाले हैं आपके साथ, ये आप सब लोग फेस करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं और वो बिल्कुल सही चल रहा था, अब अचानक वो चलना बंद हो गया, तो आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे कि कौन से पॉइंट से ही चलना बंद हो गया? आप हिस्ट्री में पीछे आएंगे, चला के देखेंगे, चल रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से था। तो ये आपको डीबगिंग में भी हेल्प करेगा। डीबगिंग कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आ जाए उसको तलाश करने के प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। तो डीबगिंग में भी हेल्प करेगा आपको, बहुत सारे फीचर्स इंप्लीमेंट हुए हुए या नहीं इंप्लीमेंट हुए हुए उनको फाइंड आउट करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल तो ये है ही। अच्छा, तो गिट की इस वक्त जो हैसियत है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में, वो वाइटल है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझें कि कोई दर्जी है, तो क्या आप उससे ये पूछते हैं कि तुम्हें ये जो कि मशीन सिलाई की चलानी आती है नहीं आती? नहीं पूछते आप, क्योंकि आप ये अज्यूम करते हैं कि दर्जी है तो मशीन तो चलाना जानता ही होगा, हाथ से तो कपड़े सीता नहीं होगा, है ना। तो इसकी जो हैसियत है ना वो ये वाली है कि एक दर्जी के लिए सिलाई मशीन की जो हैसियत है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए गिट की हैसियत है। कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो सामने वाला बंदा बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम करेगा कि गिट तो इसको आता ही होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर कोई दर्जी सामने से ये कह दे कि नहीं साहब मशीन तो नहीं, मुझे पता कैसे चलती है, तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि ये उसके दर्जी होने पे सवालिया निशान है। वो जो उसने क्लेम किया ना, जो फर्स्ट क्लेम किया कि मैं दर्जी हूँ, ये उस क्लेम पे ही सवालिया निशान है कि भाई मशीन सिलाई मशीन नहीं चलानी आती, दर्जी कहाँ से हो, हाथ से सीते हो क्या कपड़े, है ना। तो अच्छा, अगर वो हाथ से सी भी रहा है, वो कह रहा है हाँ मैं हाथ से सीता हूँ, ये देखो सिया हुआ हाथ से मैंने, तो क्या आप उसको अपने कपड़े देंगे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं देंगे। ठीक है, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि जो मशीन से जो फिनिशिंग आती है, मशीन से जो रिजल्ट निकलता है, एक तो हाथ से सिलने में लगेगा भी उसको पता नहीं महीना लगेगा, जो काम टेलर मशीन से 2 दिन में कर लेता है हाथ से करने में वो महीना लगेगा। और दूसरा ये कि मे बी वो हैंडमेड, तो वैसे तो वैल्यू होती है हैंडमेड की, लेकिन मैं तो नहीं दूंगा। तो या तो बहुत ही बड़ा कोई लेजेंड हो ना कि नहीं यार मैं हाथ से हैंडमेड है सारा, वो फिर बात अलग है। ठीक है, तो वाइटल है ये आपको आना ही चाहिए। अच्छा, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम ये करेंगे कि एक ना हेलो वर्ल्ड हम कर लेते हैं इसका, GitHub, GitHub और Git का। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक इसका CLI टूल है, वो आपको अपनी मशीन में इंस्टॉल करना होगा, जिसको हम कहते हैं Git। एक तो GitHub है ना, जो क्लाउड बेस है, वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन है, फेसबुक की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको मैंने कहा था। एक है Git, दैट इज़ अ CLI टूल। अब CLI टूल क्या चीज़ होती है? CLI टूल वो होता है जो कमांड लाइन पे चलता है, सही है। जो सॉफ्टवेयर जो शुरू शुरू जब कंप्यूटर बने थे तो उसमें ग्राफिक्स तो नहीं हुआ करती थी कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होती थी, तो जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो किस पे चलते थे? CLI पे चलते थे, ठीक है। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये जो जी रिकॉर्डिंग यार, हाँ भाई पॉसिबल होगा किसी के लिए ये कि कोई खड़ा हो जाए कैमरा पकड़ के? यार सिस्टम में तो है, मगर वो रिकॉर्डिंग वगैरह करने से तो कोई फ़ायदा तो नहीं है। है फ़ायदा नहीं, तो वो आप स्टेप नोट करते जाएं ना, स्टेप आप नोट करते जाएं। अच्छा, असल में प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले दिनों ना मैं अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करके लगा रहा था यूट्यूब पे, तो उससे हो ये रहता गड़बड़ कि वो अटेंडेंस फिर कम हो गई, होनी शुरू हो जाती थी। अच्छा, अब
प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्टूडेंट को लगता है ना कि हाँ यार ये तो आ जाएगी वीडियो मेरे पास, तो वो क्लास में ना फिर तवज्जो वो नहीं होती, वो कहता अच्छा यार सही है घर जाके देख लेंगे ना क्या मसला है ना, तो वो मैं अपने यूट्यूब में लगा देता था रिकॉर्ड करके। तो फिर अच्छा वो फिर उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता था कि स्टूडेंट सोचता था अच्छा यार मैं देख लूँगा, फिर घर जाके उसको मौका नहीं मिलता है दायरे देखने का, यूट्यूब में 10 इंस्ट्रक्शन होती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कहीं और निकल जाता है, फिर वो कहता है कि यार काम करता हूँ अब जो अगली क्लास होगी ना वो और ये साथ में देख लूँगा मंडे और वेनसडे, तो साथ में देख के फिर मैं चला जाऊँगा अगले मंडे को क्लास में। अच्छा वो फिर दूसरा वाला भी कहाँ देखेगा, वो जब एक नहीं देखा तो दो क्या देखेगा, दो दो घंटे की वीडियो होगी या चार घंटे तो नहीं होते किसी के पास स्ट्रेट। तो फिर थोड़े दिन में उसको वो डीमोटिवेट हो जाएगा, उसको लगेगा अरे यार वो मैं तो पीछे रह गया, सारे लड़के आगे निकल गए, आप ही का दोस्त होगा वो आपको आगे, कोई कोई एक बात कह देगा ना आपको वो कि गेट में पुश होता है, आप कहेंगे पुश ये तो मैंने नहीं पढ़ा मैं तो पीछे रह गया है ना, तो आप हो जाएंगे डीमोटिवेट, आप कहेंगे यार मैं अब छोड़ देता हूँ, अब एक काम करता हूँ अब जब अगला एडमिशन आएगा ना सैलानी का तो फिर पढ़ूँगा। ये इसका एनालाइज किया जो मैंने थोड़ा बहुत, मुझे ये समझ आया। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ कि जब टॉपिक चल रहा होता है तो उस दौरान कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, सही है, जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग एक साथ आप लोगों को मिल जाएगी, जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना तो ये जब तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं ये आपको मैं दे दूँगा, सही है, तो फिर उस वक्त सेंस बनता है कि अच्छा यार कोई मिसाल के तौर पर कहीं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो चलो वो दोबारा से थोड़ा रिकैप कर लें, लेकिन क्लास के दौरान मैं ये रिकॉर्डिंग आपको नहीं दूंगा मैं, ठीक है, नहीं मिलूंगा। और कोई प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट ना करे, मतलब पर्सनली भी आके कोई मुझसे ना बोले कि सर आप सिर्फ मुझे दे दें बाकी को ना दें, ये प्लीज़ मुझे ना, ये मेरे लिए एक इम्तिहान होता है कि क्योंकि मुझसे मना नहीं किया जाता, ठीक है, तो मुझे जब मना करना पड़ता है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जी 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 नहीं, वो कोर्स ख़त्म होने पे ही आपको मिलेगा, अभी फ़िलहाल नहीं दे सकता, असल में वो ये तो सैलानी ने तो मुझे मना किया ये रिकॉर्डिंग वगैरह करने से ना, इसी फॉर द सेम रीज़न कि वो अटेंडेंस एकदम ड्रेस्टिकली कम होती है, तो इस वजह से जो है ना, और क्लास सैलानी ने जो कमिटमेंट की है आप लोगों से वो ऑन साइट क्लास की है ना, तो ऑन साइट क्लास की मेरी भी कमिटमेंट है, बाकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है ना फ़िलहाल के लिए आप उसको भूल जाएं, सही, अगर आप छुट्टियों पे जाते हैं कोई ऐसा इशू होता है अगर आप, तो वो आप दोस्तियां करें, यहाँ पे ग्रुप बन गया है व्हाट्सएप वाला, तो वो आप ना आपस में किसी को लेके गूगल मीट की कॉल पे आ जाएं और एक दूसरे को समझा दें, ऐसे कर लें आप, ठीक है, रिकॉर्डिंग से ना फिर वो ये वाला फैक्टर कहीं ना कहीं इनिशिएट हो जाएगा, अगर मैं आपको दूंगा तो आपके लेवल पे हो जाएगा, है ना, सबके साथ नहीं होगा आपको हो जाएगा, पता चले आप ही चले जाएँ फिर, तो ये फ़ायदे के बजाय जो चीज़ नुकसान दे रही है उसको फिर अवॉइड करेंगे हम। अच्छा तो ये सी एल आई टूल जो है ना गिट का, ये मैंने क्लिक किया, ये देखिएगा मैंने गूगल पर सिर्फ गिट लिखा है, अभी गिट हब पहले लिखा था अभी मैंने सिर्फ गिट लिखा है। अब गिट का जो लोगो है वो भी मुख्तलिफ है, ये रेड कलर का लोगो है जो ऊपर ये बना हुआ आ रहा है। अच्छा इसको डाउनलोड कैसे करेंगे हम, ये बटन आ रहा है डाउनलोड फॉर मैक, अच्छा क्योंकि मैं मैक मशीन पर हूँ, आपके पास लिखा हुआ होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ या लिनक्स या मैक, जिस भी मशीन पर आप हैं वो खुद ही ये डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा मैंने इस पर क्लिक किया, अच्छा मेरे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ना CLI से इंस्टॉल होगा, ये ब्रू से इंस्टॉल होगा, अच्छा तो ये मैक में ब्रू से इंस्टॉल होती हैं चीज़ें, क्या कहते हैं, और यहाँ पे विंडोज़ का भी इन्होंने एक बताया हुआ होगा, वो यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा ये, अच्छा तो विंडोज़ में आपके पास ना एक्जी फाइल एक डाउनलोड होगी, जैसे ही क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगी, 64-bit या 32-bit हो सकता है आपसे ये पूछे, तो आपने 64-bit को सेलेक्ट करना है, वो डाउनलोड हो जाएगी चीज़ आपके पास। मैं बल्कि ये देखता भी हूँ अगर के यहाँ पे विंडोज़ का कोई इन्होंने, हाँ ये बना हुआ है ना, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहा है, ठीक है, कर्सर मेरा वैसे प्रोजेक्टर पे दिख नहीं रहा लेकिन अगर मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँ तो ये ना तीनों का नाम लिखा हुआ रहा है, तो अगर मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये देखें विंडोज़ पे 32-bit 64-bit, तो 64-bit पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होके आ जाएगा मेरे पास, ये नीचे डाउनलोड हो गया ना एक्जी फाइल। ठीक है ये 50 MB की फाइल है,
मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से हुआ हुआ है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करके उसको चलाएंगे उस फाइल को, और जो भी वो आपसे इंस्टॉलेशन जो होती है, इंस्टॉलेशन विंडो खोलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा वो। अच्छा, यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, तो आप सब लोग यहाँ पे एक दफ़ा इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं। यहाँ भी हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अच्छा, एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन लोगों के पास लैपटॉप है, अवेलेबल है, घर पर मौजूद है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ करके ना वो लैपटॉप लेकर आए, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियंट रहेगा क्योंकि आपकी जो मशीन होती है, जैसे मैंने जिक्र किया था लास्ट ओरिएंटेशन क्लास में, कि वेपन आपका अपना होना चाहिए, किसी और के वेपन से काम नहीं चलता। वैसे तो आपके कॉलेज ने ये फैसिलिटेट किया हुआ है, कंप्यूटर यहाँ पे दिए हुए हैं, बट ये कंप्यूटर आपको उतना हेल्प नहीं करेगा जितना आपका अपना कंप्यूटर हेल्प करेगा, है ना। आपने जहाँ पे छोड़ा है वहीं से आपको वो मिलेगा, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि दो सेक्शन चल रहे हैं, आपका सेक्शन बी है, तो सेक्शन ए में कुछ अगर कोई बंदा आया, वो उसने अनइंस्टॉल कर दिया सॉफ्टवेयर, कोई गड़बड़ कर दी, आप फिर उसी पीसी बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये तो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो टाइम उससे ज़ाया होगा, ठीक है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, मतलब है, अगर मौजूद है लैपटॉप मौजूद है, तो आप इसको पॉसिबल बनाएं कि आप उसको यहाँ लेकर आएँ, ठीक है, यहाँ पे लेकर आएँ आप, और जितनी देर क्लास हो वो आपके सामने मौजूद हो, आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें और फिर घर जाके उसको फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर बनाइएगा। अच्छा, जिसके पास अगर कंप्यूटर घर वाला कंप्यूटर है, तो वो घर पे जाके करें, उनके लिए मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल हो उनके लिए, तो वो भी ना लैपटॉप ले लें। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, सिरे से नहीं है मौजूद, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यार लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके दस्तरस में, वो ले लें, आप ख़रीद लें। अगर तो आपने ये सोच लिया ना कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाना है और टेक्नोलॉजी से, क्योंकि आने वाली दुनिया में, जैसे मैंने जिक्र किया था ओरिएंटेशन में कि पान की दुकान भी खोली हुई है ना किसी ने, तो सॉफ्टवेयर से लेना देना उसका भी रहेगा। जो बेसिक प्रोग्रामिंग अगर पान की दुकान वाले को भी नहीं आती ना, तो उसकी भी नौकरी, पान की दुकान बंद हो जाएगी उसकी। अब क्योंकि आपको पता है स्टोर तो अब मेटावर्स में खुलते हैं, अब तो स्टोर ऑनलाइन खुलते हैं, ऑनलाइन तो बल्कि पुराना हो गया, अब मेटावर्स है, अब आप पता नहीं आगे क्या आएगा। लेकिन मेरा ये एनालिसिस है कि अगर पान की दुकान भी है ना, तो बेसिक प्रोग्रामिंग उसको भी चाहिए, वरना नौकरी ख़त्म। और फौजी नौकरी तो पूरा ही ख़त्म, फौज तो रिबोट आ जाएंगे। तो हाँ, नहीं 100 साल में नहीं, ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, वो मैं हमारी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में जब होगा ना, तो फिर धक्का लगता है, तो फिर सब जाते हैं। हाँ, चाइना तो ये बैठा हुआ है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, वो कहता है क्या करना है, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, सबको खाने के लिए तैयार है वो। तो ये तो ह्यूमंस की बहुत सारी चीज़ें आपने देखा, कंप्यूटर ने जगह ले ली है। पेंटर्स होते थे पहले, अभी वो बड़े बड़े मशीन लगी हुई है, वो जो छाप देते हैं इतने बड़े बड़े बैनर, वो पैनाफ्लेक्स पे छाप देते हैं, वो लग जाता है, ठीक है ना। तो डाउन साइजिंग तो होगी, सब जगह होगी। तो बेसिक प्रोग्रामिंग आपने, क्योंकि आप लोग अब यहाँ आ गए हैं, इतना सफ़र तय कर लिया आप लोगों ने, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि ये होने वाला है। ओरिएंटेशन में भी मैंने जिक्र किया था कि भाई 100 IT वाले होंगे और नीचे उसके 2-3 बंदे होंगे जो काइनेटिक फोर्स वाले होंगे, और हो सकता है वो भी रोबोट्स हों, हो सकता है वो भी ह्यूमंस ना हो, मे बी, है ना। स्नाइपर राइफल से लेके, ड्रोन से लेके, वो हर चीज़, तो अभी वो पहले तो ये होता था ना कि आप फाइटर उड़ा के जाते थे किसी जगह पे हमला करने, बम गिराने, कोई भी डॉग फाइट होती थी, पता नहीं क्या वो मनूवर सिखाते थे, तो वो तो आउट ऑफ डेट हो गई ये चीज़ अब, है ना। अब तो वो आराम से अपना वो उन्होंने बनाया हुआ व्हाइट हाउस में वो वॉर रूम बनाया हुआ, वो 6-7 इंच मोटी, वो डॉक्यूमेंट्री आप देखें, 6 इंच मोटी स्टील का वो रूम है, और वो उसके अंदर बिठाया हुआ बंदों को, वहाँ पे बैठ के मज़े से वो ऐसे कॉफ़ी पीते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, और वो उड़ाते हैं ड्रोन, और ड्रोन उड़ा के वो जहाँ भी जाना है, तो ख़त्म गेम पूरा, है ना। वो जो F-16 जब इन्होंने बनाया था, F-16 की एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं उसका नाम आपको जिक्र करूँ, स्मार्टर एवरीडे करके एक चैनल है यूट्यूब पर, तो वो कोई रिटायर्ड फौजी है, गालबन मरीन है, वो मरीन वो होता है, वो तीनों में होता है एक्सपर्टीज़ उनकी। तो वो आप स्मार्टर एवरीडे पे जाके ना, वो F-16 की आप देखें डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई है, वो उसका जो लेवर है ना उसका, वो आधा सेंटीमीटर घुमाते हैं ना, पूरा जहाज़ घूम जाता है, इतना मनूवरेबल है वो। और उसकी जो टॉप स्पीड है वो 20 माइल्स पर सेकंड उसने जिक्र की थी, 20 माइल पर सेकंड बहुत स्पीड होती है।
तो वो और उससे भी ज़्यादा जाएंगे, वो मेटल पिघल जाता है, F-16 का जो मेटल है ना जिससे वो बना हुआ है वो पिघल जाता है, गर्म होता है उससे ज़्यादा जाने पर, वो और ज़्यादा जा सकता है वो। तो वो कह रहा था कि ह्यूमन इज़ द लिमिट, जो लिमिट है ना ये मैनूवरेबिलिटी की जो लिमिट है वो ह्यूमन है। ह्यूमन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फाइटर जेट में वो 9G से ऊपर नहीं जा सकता ह्यूमन, और 9G भी वो 20 सेकंड के लिए जाता है, मर जाएगा वरना। वो तो मार्क 1, मार्क 2, मार्क 10 तक ले जाते हैं ना मशीन, ये अभी जो टॉप गन में ना, वो तो मार्क 10। मार्क पता है किसको कहते हैं, जो मार्क स्पीड का वो जिक्र कर रहे हैं, मार्क स्पीड कहते हैं कि जब आप साउंड का जो स्पीड है 1100 किलोमीटर है शायद, वो मार्क 1 होता है। जब साउंड बैरियर तोड़ता है ना जहाज़, तो दैट इज़ मार्क 1, कि वो साउंड की स्पीड जितनी होती है उसको इक्वल कर जाता है, तो मार्क 1 है वो। जब साउंड की स्पीड से डबल होता है तो उसको कहते हैं मार्क 2। ठीक है, तो हमारे पास जो एक होता है सब सोनिक, एक होता है सुपर सोनिक। सब सोनिक वो होता है जो साउंड की स्पीड से कम होता है, मार्क 1 से कम कम वाले को हम सब सोनिक कहते हैं, जहाज़ गन्स में भी और जहाज़ों में भी, दोनों में। गन्स भी एक सब सोनिक होती हैं, एक सुपर सोनिक होती है। तो जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ जो गोली जाती है ना उसको हम कहते हैं सुपर सोनिक। उसका बेनिफिट ये होता है कि गोली पहले लगती है आगे, आवाज़ बाद में आती है। स्नाइपर जितनी भी राइफल हैं सारी सुपर सोनिक हैं, कि जब वो फायर करेगा ना तो गोली पहले लगती है आगे, आवाज़ बाद में आती है, अलर्ट होने का टाइम नहीं मिलता। सुपर सोनिक जो जितने भी अभी जहाज़ हैं, F-35 पता नहीं है, 32, जो F-16 समेत जितने भी आगे आए हैं अब, वो सारे सुपर सोनिक हैं। वो साउंड की स्पीड से, लेकिन कितना ज़्यादा, वो 1600, 1700, 2000, 3000, मार्क 3, मार्क 4, बस। मार्क 10 तो खैर बहुत अभी आगे की चीज़ है, मगर वो ह्यूमन इज़ द लिमिट। बात ये, पॉइंट मेरा ये है कि मशीन इज़ नॉट द लिमिट, मशीन की लिमिट और है अभी, ह्यूमन इज़ द लिमिट। तो आप, अगर आपने टॉप गन का जिक्र किया ना, आप उसका पहला सीन देखें, गौर से देखें दोबारा, उसमें जो हीरो है वो क्या कर रहा होता है, उसने एक B-22 तैयारा होता था इनका, बड़ा तेज़ होता था किसी ज़माने में इन्होंने वो बनाया था, मार्क 10 नहीं था लेकिन वो, लेकिन कुछ था वो, बहुत तेज़ था, सबसे फास्ट वही है अभी भी। उसमें बैठ के ना वो उसको प्रैक्टिस करता है मार्क 10 तक ले जाने की, और वो करता है। तो वो जो अंकल आता है ना, वो CIA का पूरा उसको गेटअप दिया, बेहतरीन किस्म का गंजा, और वो फिर शेव हुआ हुआ और गाल अंदर पिचके हुए, पूरा CIA वाला गेटअप है वो आके कहता है कि बच्चा आप ये बताओ कि आपको टाइम कितना हो गया है। कह रहा मुझे 20 साल हो गए। कह रहा अभी तक ना तुझे हाईली डेकोरेटेड जनरल होना चाहिए था, अभी तक जहाज़ उड़ा रहा है, गैरेज में बैठा हुआ है, ये अपना एटीट्यूड सही कर लो आप, पहले तो ये कहता है। दूसरी बात वो जो कहता है कि आप ट्रेन हो गए, आपका पायलट, उसको वॉशरूम भी जाना है, उसको खाना भी खाना है, उसकी लिमिट भी है एक 9G, वो भी 20 सेकंड के लिए। कह रहा है मैं वो ड्रोन प्रोग्राम पे, वो फंडिंग उठा के ड्रोन प्रोग्राम पे ट्रांसफ़र करने के चक्कर में होता है। कहता है मैं जो बना रहा हूँ ना ड्रोन, वो है तो स्लो लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसको वॉशरूम नहीं जाना, उसको खाना नहीं खाना, चार्ज वो सोलर से होते हैं, उसको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, एक बार छोड़ दो 3 महीने 4 महीने वो हवा में रहते हैं, उसको टेंशन नहीं है कोई। तो वो फिर उसको समझ आ जाती है बात कि यार ये तो, और वो बहुत पते की बात की है उन्होंने, और यही हो रहा है। ये मैं वो बता रहा हूँ टॉपिक, जिस टॉपिक पे मूवी बन जाती है ना, वो समझ लें, वो कहते हैं कि भाई हो गया अब देख लो सब। शुरू में तो चीज़ सीक्रेट होती है, जब आती है ना शुरू में टेक्नोलॉजी सीक्रेट होती है, एक टाइम आता है उसके बाद वो उस पर मूवीज़ और बुक्स और नॉवेल्स में जब आ जाती है ना वो चीज़, वो हो चुकी होती है। ठीक है, अब उसमें फिक्शन तो है, मार्क 10 तो फिक्शन है, लेकिन ये बात तो सही है, लॉजिकल बात है यार। ड्रोन है, स्लो है, छोटा सा, एक मिसाइल कैरी करता है सिर्फ, एक वक्त में ड्रोन एक मिसाइल कैरी करता है इनका जो करंट है। लेकिन मसला ये कि 100 ड्रोन अगर छोड़े हम हवा में तो कोई खर्चा है उसमें? कोई खर्चा नहीं है, इतना सा तो है। एक पायलट ट्रेन करने में पता नहीं कितने मिलियन डॉलर लगते हैं, फिर जहाज़ अलग होता है महंगा, हाँ वक्त लगता है, फिर बंदे का, फिर वही बात है ना उसकी वाली, वो जो असल में वो जो दिखाया है ना कि अपना एटीट्यूड सही कर लो, वो यही कहता है कि आएंगे जो तुम्हारे जैसे ही आएंगे सारे, और उनका अपना एटीट्यूड होगा। अब उस एटीट्यूड का सब कुछ कर लिया, एटीट्यूड का क्या करेंगे, है ना? तो ह्यूमन इज़ द लिमिट, तो ह्यूमन को एलिमिनेट किया जा रहा है। अब जो लगे हुए हैं ना सारे, वो ह्यूमन को एलिमिनेट करने में लगे हैं। तो ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था कि भाई 100 बंदे होंगे आईटी वाले, आईटी वाले का मतलब है कि ड्रोन ऑपरेटर, ड्रोन उड़ा रहे होंगे, ड्रोन ऑपरेटर की सूरत में या किसी भी इंटेलिजेंस की सूरत में। तो 2-4 बंदे नीचे होंगे काइनेटिक वाले, काइनेटिक में ये गोला बारूद गन, जहाज वहाज गन गोलियाँ सब आ गई, है ना? तो ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की। वेल,
तो अगर तो आपने सोच लिया ना, अगर ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है, यहाँ बैठे हुए ना आप, तो इसका मतलब है आ गई है समझ बात जब यहाँ बैठे हैं। तो कंप्यूटर भाई ख़रीद लो अपना, है ना, बंदे के पास अपना कंप्यूटर तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, लर्निंग आपकी फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन हो गई। इसकी इंस्टॉलेशन होने के बाद ना, ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंस्टॉल हो गया है सही? आप जाएंगे और टर्मिनल ऐसे करके ओपन करेंगे। अच्छा, मैं लिनक्स पे और मैक पे टर्मिनल के नाम से होता है, मेन मेन्यू में उसके टर्मिनल के नाम से आ रहा होता है, डबल क्लिक करेंगे ऐसा खुल जाएगा। विंडोज़ में ये चीज़ कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से होती है, ठीक है। आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे विंडोज़ में, और स्टार्ट का बटन दबा के आप CMD लिखेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। अच्छा सर, ज़रा ये कर सकते हैं आप, स्टार्ट का बटन प्रेस करें? नहीं, अब कीबोर्ड से, अब माउस छोड़ दें, माउस को हटा दें, स्टार्ट का बटन प्रेस करके CMD लिखें और एंटर कर दें। एंटर, ये खुल गया, सही है। तो आपने माउस को टच नहीं करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में माउस को अगर टच करेंगे ना तो टाइम ज़ाया होता है इसमें, सही है। स्टार्ट का बटन प्रेस किया, CMD एंटर, तो ये टर्मिनल ऐसा खुल जाएगा। इस पर आप लिखेंगे गिट। अच्छा, शुरू में जब आप लिखेंगे ना गिट, तो आपके पास ये शो नहीं होगा, ये जो मेन्यूज आ रहे हैं ना, बल्कि मैं इसमें बेहतर एक कमांड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ गिट माइनस माइनस वर्जन, ठीक है, GIT गिट, उसके बाद स्पेस है एक, उसके बाद दो माइनस है, उसके बाद वर्जन है, माइनस और वर्जन में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख के एंटर करेंगे ना, तो गिट का जो करंट वर्जन इस वक्त इस मशीन में इंस्टॉल है, ये वो आपको देखें बता दिया इसने, ठीक है, ये गिट का करंट वर्जन इस मशीन में इंस्टॉल है जो, वो बता दिया इसने। अच्छा, यहाँ तक का जो प्रोसेस था गिट की इंस्टॉलेशन का, जो प्रोसेस था वो यहाँ पर, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है उसको, डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करेंगे, इंस्टॉल होगा, उसके बाद ये चेक करना है। अगर ये यहाँ पे शो नहीं होता है तो कंप्यूटर को सम टाइम विंडोज़ में खास तौर पे उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर ये शो होता है। गिट माइनस माइनस वर्जन, गिट स्पेस माइनस माइनस वर्जन, तो ये ऐसे करके हमने इसको चेक कर लिया। अच्छा, अब अगला काम हमें क्या करना है, एक छोटा सा आर्टिकल है जो इसी पे लिखा गया है, इसका नाम है गेट नो डीप शिट, सही है। इसका मैं लिंक आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, गेट गाइड करके नाम है। अच्छा, बड़ा फेमस आर्टिकल है ये, और बहुत ही सिंपल आर्टिकल है जो गेट का हेलो वर्ल्ड इसने करना बताया है। अच्छा, इसकी जो पब्लिसिटी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं, ये कई मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ना, तो ये डच, एस्पेनियोल, फ्रेंच, इंडोनेशियन, इटालियन, चाइनीज़, ये इनिशियली ये आर्टिकल चाइनीज़ में लिखा गया था, किसी चाइनीज़ लड़के ने लिखा था, बाद में उसने ये ट्रांसलेशन वगैरह हुई है, तो ये इतनी सारी डिफरेंट ज़ुबानों में ना इसको ट्रांसलेट किया गया है। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी कोई बात लिखी है इसने। अच्छा, पहला जो स्टेप था ना कि डाउनलोड फॉर विंडोज़ या डाउनलोड फॉर लिनक्स, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है इस पॉइंट तक। आगे का जो स्टेप है, ये आपने एज इट इज़ फॉलो करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने। अच्छा, वो क्या है, गिट इनिट। अच्छा, किसी भी फोल्डर में जाके मैं लिखूँगा गिट इनिट। अच्छा, तो मैं एक फोल्डर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ कोई, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डेस्कटॉप है, तो मैं टर्मिनल में जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल जो लिनक्स में और मैक में जो ओपन होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी पे ओपन होता है, जो अलिफ मद्दा ऐसे लिखा हुआ आ रहा है इसमें। विंडोज़ में टर्मिनल जब ओपन होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में ओपन होता है, सी ड्राइव के किसी फोल्डर में होता है। वेल, तो विंडोज़ में इसका एक आसान तरीका भी है बाय द वे। विंडोज़ में आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, मैं आपको वो खोल के दिखाता हूँ, एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर लिखना था मैंने, फाइल एक्सप्लोरर, इमेजेस,
ये नज़र तो नहीं आ रहा है इधर, क्योंकि ये इमेज बहुत छोटी सी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको न्यू टैब में ओपन करके ना बड़ा करके खोला जाए। विंडोज़ में ना जो किसी भी फोल्डर में आप जाएंगे ना, एड्रेस बार पे जाके, जिस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस बार इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है, ये एक पट्टी होती है लंबी सी, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना जब, और इसमें आप सी एम डी यहाँ पर लिख के जब एंटर करेंगे, एक तो स्टार्ट के बटन से खोला था तो वो सी ड्राइव में बाई डिफ़ॉल्ट खुलती है, यहाँ पे एड्रेस बार पे आप क्लिक करेंगे, एड्रेस बार में जो भी पहले से लिखा हुआ है उसको आप रिमूव करेंगे, सी एम डी लिख के एंटर करेंगे, तो इस फोल्डर में फिर कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, इस यही फोल्डर उसमें खुला हुआ होगा। तो विंडोज़ में ये एक शॉर्टकट है, इससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैक में मेरे पास ये शॉर्टकट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने टर्मिनल को खोला, बाई डिफ़ॉल्ट ये होम डायरेक्टरी में खुला, अलिफ मद्दा में सी डी करके मैं डेस्कटॉप करके उसके अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर मैं चला गया तो यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, अब एक फोल्डर बनाऊँगा कोई ना कोई, ठीक है। फोल्डर बनाने के लिए कमांड इसमें है mkdir, ठीक है, विंडोज़ में भी ये सेम कमांड है। वेल, आप राइट क्लिक करके भी फोल्डर बना सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। mkdir करके मैं बोलता हूँ कि माई फर्स्ट रेपो, और एंटर कर दिया मैंने ये, ठीक है, माई फर्स्ट रेपो करके मैंने एंटर कर दिया। अब मैं ls करूँगा उस डायरेक्टरी को देखने के लिए कि वो कहाँ पे बनी भी आई है। तो यहाँ पे माई फर्स्ट रेपो ये बनवा रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, बस खैर है अभी तो ये। हाँ यार, सही सही, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा चाहिए मुझे, क्योंकि ये 10-15 मिनट में ना स्लीप में जाता है ये। थैंक यू यार, वॉलंटियर कर रहे हैं। नहीं नहीं आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। हाँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ, मच बेटर। अच्छा, तो ये माई फर्स्ट रेपो ना ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कमांड से मैंने फोल्डर बनाया है, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। फोल्डर की लिस्ट को देखने के लिए मैंने एल एस की कमांड लिखी है, मैक में और लिनक्स में ये कमांड एल एस होती है, विंडोज़ में ये कमांड होती है डी आई आर, ठीक है। तो आप चाहें तो ये डी आई आर डायरेक्टरी के लिए होता है ये, ठीक है। अच्छा, मैं वैसे भी अगर जाके फोल्डर से भी जाके देखूंगा तो मैं डेस्कटॉप पे जब जाऊंगा ना तो यहाँ पे माई फर्स्ट रेपो ये बना हुआ है फोल्डर ना, तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके भी बना सकता था न्यू फोल्डर, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा कम्फर्टेबल टर्मिनल पर हूँ, कमांड लाइन पर हूँ, तो मैंने उससे बना लिया, ठीक है। इट डज़ेंट मैटर कि आप वो ये काम टर्मिनल से कर रहे हैं या आप ये हाथ से कर रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो फोल्डर मैंने एक बना लिया। अच्छा, अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो विंडोज़ पे तो आप ये करेंगे कि फोल्डर के अंदर जाके और ऊपर सी एम डी लिख के आप खोल लेंगे। मैं ऑलरेडी टर्मिनल पे हूँ, मैं करूँगा सी डी, इसको पहले तो बल्कि क्लियर करता हूँ मैं ताकि ये ऊपर आ जाए, ठीक है। क्लियर किया मैंने इस कमांड प्रॉम्प्ट को। विंडोज़ में इसकी कमांड होती है सी एल एस, ठीक है, विंडोज़ में सी एल एस है ये क्लियर स्क्रीन के लिए, और लिनक्स में और मैक में क्लियर पूरा लिखना पड़ता है क्लियर स्क्रीन के लिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कमांड फ़र्क है, लेकिन काम वो दोनों में एक ही हो रहा होता है असल में। अच्छा, अब मैं सी डी करके ना, सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी करके, ये कमांड सेम है विंडोज़ में और लिनक्स में, सी डी करके मैं लिखूंगा माई, ठीक है। अच्छा, पूरा भी लिख सकता हूँ हाथ से नाम, लेकिन मैं जस्ट एम वाई लिख के ना टैब दबा दूंगा तो वो उसको पूरा कर लेता है, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। ये मैं उस रिपॉजिटरी के जो मैं फोल्डर मैंने बनाया था असल में, अभी तो ये रिपॉजिटरी नहीं है, अभी ये जस्ट एक सिंपल फोल्डर है, ठीक है। तो इस फोल्डर के मैं अंदर चला गया। अच्छा, अब इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आके ना मैंने ये कमांड लिखनी है। इस कमांड को लिखने से क्या होगा कि ये जो फोल्डर एक सिंपल डायरेक्टरी या एक सिंपल फोल्डर है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा गिट की रिपॉजिटरी में, ठीक है। रिपॉजिटरी असल में फोल्डर ही होता है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कुछ स्पेशलाइज चीज़ें उसके अंदर हो जाती हैं जो एक आम फोल्डर में नहीं होती। तो इसको टेक्निकली हम क्या करते हैं, रिपॉजिटरी कहते हैं, गिट रिपॉजिटरी कह सकते हैं उसको। तो ये मैं गिट इनिट आके बना देता हूँ, ठीक है। गिट इनिट मैंने किया तो इसने मुझे मैसेज दिया कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इन दिस 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 फोल्डर। इस फोल्डर का नाम बता रहा है मुझे कि इस फोल्डर में एम्प्टी गिट की रिपॉजिटरी इनिशियलाइज हो गई है, ठीक है। तो अब मेरा जो ये फोल्डर था, ये क्या हो चुका है, एक गिट की रिपॉजिटरी बन चुकी है। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए आप जाएंगे इस फोल्डर के अंदर, ये जो माई फर्स्ट रेपो करके जो फोल्डर है इसके अंदर आप जाएंगे, और यहाँ पे जाके ना अभी देखें ये खाली दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसमें हिडन फाइल्स को शो करूँगा, ये इसका शॉर्टकट है कमांड शिफ्ट और डॉट,
मैक में इसका ये शॉर्टकट है कमांड शिफ्ट और डॉट, ठीक है, अगर कोई है मैक पे तो वो लिख सकता है। विंडोज़ के अंदर क्या होता है, आप ऊपर फोल्डर में ना व्यू ऑप्शन में जाके, फोल्डर ऑप्शंस में जाके वहाँ से हिडन फाइल्स को शो करते हैं आप, ठीक है। अगर हिडन फाइल शो करना सबको आता होगा आई थिंक, ठीक है, क्योंकि हिडन फाइल हाइड करके बचपन से ना हमें ऐसा लगता था बचपन में कि फ़ाइल हाइड कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगी, तो वो असल में हाइड होती होती नहीं है, वो जस्ट इसलिए होती है कि अगर बहुत कचरा दिख रहा है सामने तो कुछ चीज़ों को आप हाइड कर दें, ठीक है। तो ये एक हिडन फोल्डर यहाँ पे ना एक गिट का छोटा सा बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये बना हुआ आ गया है हिडन फोल्डर, ये थोड़ा सा डिम होता है, हिडन फोल्डर डिम दिख रहा होता है, इससे पता चलता है कि अच्छा ये हिडन फाइल है या फोल्डर है। ये अगर आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि ये कमांड सही तौर पे चल गई है, सही से इनिशियलाइज हो गया है। अच्छा, तो ये कमांड हमारी हो गई। अब अगली कमांड ये है कि अच्छा यहाँ पे ना देखें, एक इसने किया है क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी, कि आपने फ्रॉम स्क्रैच एक नई रिपॉजिटरी बनाई है। यहाँ पे अगली जो बात है ना, ये इसने कहा चेकआउट अ रिपॉजिटरी, कि अगर कहीं पे एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी बनी हुई है पहले से तो उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे क्लोन किया जाए, तो उसकी जो कमांड है वो गिट क्लोन है, ठीक है। लेकिन अभी हम इस गिट क्लोन वाले को हम स्किप करते हैं, हम अभी आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। इस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें मैं रखूँगा उसकी तीन स्टेजेस होंगी। नंबर वन होगा वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं उसको, जो भी बात आप लिखेंगे उसको वर्किंग डायरेक्टरी स्टेट में होगा वो, ठीक है। स्टेट जैसे पानी की तीन स्टेट्स होती हैं ना, सॉलिड लिक्विड और गैस, तो इसके भी तीन स्टेट्स हो सकती हैं। इसमें जो भी कुछ कोड रखा हुआ है या जो भी फाइल्स हैं या जो भी पिक्चर फोटो जो भी इस रिपॉजिटरी के अंदर है, ठीक है। इस रिपॉजिटरी का मतलब है फोल्डर ही की बात हो रही है, लेकिन हम क्योंकि अब टेक्निकल लोग हैं सारे तो हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे कि डायरेक्ट रिपॉजिटरी। तो इस रिपॉजिटरी के अंदर जो भी चीज़ होगी ना उसकी तीन स्टेट होगी, या तो वो वर्किंग डायरेक्टरी स्टेट में होगा एक वक्त में, या तो वो इंडेक्स स्टेट में होगा, ठीक है। इसको स्टेज भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, स्टेज भी कहते हैं, दोनों नाम इन्होंने वो ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है। अच्छा, या तो तीसरा जो है वो हेड स्टेट में होगा। तीन इसकी स्टेट्स हैं, सही है, सिंपल करके बता रहा हूँ इसको मैं आपको। अच्छा, जब बाय डिफ़ॉल्ट कोई नया इसमें आइटम डाला जाएगा, नई फाइल क्रिएट की जाएगी, तो ये क्या होगा, ये वर्किंग डायरेक्टरी स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। पानी बाय डिफ़ॉल्ट लिक्विड में होता है। अच्छा, पानी को बर्फ़ बनाना हो तो क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, डिफ्रीज़र में बर्फ़ बन जाता है। अच्छा, तो इसमें एक कमांड हम चलाएंगे, ऐड की कमांड, गिट ऐड की कमांड, उससे क्या होगा, ये इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, इंडेक्स स्टेट में आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक कमिट की कमांड है जो इन्होंने यहाँ पे एरो करके बनाया हुआ है। कमिट की कमांड चलाने से ये तीसरी स्टेट में आ जाएगा और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है, ये इसकी फाइनल स्टेट है। अच्छा, जब ये कमिट हो जाता है तो ये एक माइलस्टोन बन जाता है कि अच्छा यार, आमतौर पे हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस में, कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं जब, तो कोई एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है ना जब, तो हम उसको कमिट करके उसकी एक उसका एक माइलस्टोन बना देते हैं, उस कमिट का एक नाम रख देते हैं कि अच्छा इस पॉइंट पे मैंने साइन अप का पेज कंप्लीट कर लिया है, या इस पॉइंट पे मैंने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कंप्लीट कर लिया है, ऐसे करके होते हैं। अच्छा, अब ये कमांड चलेगी कैसे, वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। कमांड ऐसे चलेगी कि गिट, वो सी एल आई टूल है हमने जो ऐड किया, तो ये सी एल आई टूल जितने भी होते हैं ये कमांड प्रॉम्प्ट से चलते हैं, तो ये सी एल आई टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं असल में। गिट ऐड और उसके बाद फाइल का नाम, ये आर्टिकल मैं आपसे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो ये जो कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ ये आपके पास अवेलेबल होगा। गिट ऐड और फाइल का नाम आप लिखेंगे तो उसका क्या होगा, एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में चली जाएगी, यानी कि वर्किंग डायरेक्टरी से वो स्टेज हो जाएगी फाइल। तो आके हम चला के देखते हैं। अच्छा, इस कमांड को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक फ़ाइल बनाना ज़रूरी है इसमें, तो एक फ़ाइल हम बना देते हैं। इस फाइल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है दैट इज़ कॉल्ड वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये जो है ना, हम वी एस कोड, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये विजुअल स्टूडियो कोड है, एक सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो अलग है, विजुअल स्टूडियो कोड एक अलग सॉफ्टवेयर है। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, कोई ऐसी और उसमें स्पेशल बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये कुछ सहूलियात प्रोवाइड करता है, कुछ कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है जब आप कोड लिख रहे होते हैं उस दौरान, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एडिटर है, इसको हम यूज़ करेंगे। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है,
अच्छा ये मेरे पास पहले से कोई प्रोजेक्ट खुला हुआ था तो ये वो दिख रहा है आपको। अच्छा यहाँ पे आप, हमने जाना है फाइल में जाना है, ठीक है, ओपन में नहीं जाना, ओपन फोल्डर में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ओपन, एक आ रहा है ओपन फोल्डर, तो हमें हमेशा ओपन फोल्डर करना है। जब हम इसमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये बात है कि अगर इसमें हम फाइल ओपन कर लेना सिंगल फाइल, तो बहुत सारे फीचर्स इनेबल नहीं होते, ठीक है। तो हमेशा आपने फोल्डर को ओपन करना है ताकि जो फीचर्स मेरे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो वही आप जब घर पे जाएं तो आपको भी वो नज़र आए। अगर आप सिंगल फाइल ओपन करेंगे तो आपको कुछ फीचर्स डिसेबल नज़र आएंगे। अच्छा यहाँ पे आके मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे जाके माई फर्स्ट रेपो करके जो थी ना चीज़, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है। विंडोज़ में भी आप बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे, और ओपन का बटन दबा दिया मैंने। जैसे ही मैंने ओपन का बटन दबाया तो वो डायरेक्टरी ना यहाँ पे ओपन हो गई, इस कोड एडिटर में ओपन हो गई। अच्छा इस कोड एडिटर में ओपन हो गई तो उससे पता कैसे चलेगा, वो यहाँ देखे लिखा हुआ भी आ रहा है उसका नाम, ठीक है, माई फर्स्ट रेपो ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे एक फ़ाइल मैंने क्रिएट करनी है, एक कोड की, कोडिंग की फ़ाइल भी कर सकते हैं हम, जावास्क्रिप्ट की या सिंपल फाइल भी। फिलहाल के लिए मैं इसमें टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें तीन बटन्स बने हुए हैं, पहले बटन पे मैं थोड़ी देर हाथ रखूँगा ना तो लिखा आएगा न्यू फाइल, तो ये न्यू फाइल क्रिएट करने का बटन है, इसको मैंने प्रेस किया एक दफ़ा, और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई टेक्स्ट फाइल डॉट txt, ठीक है। लास्ट में जो तीन कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं डॉट txt, ये एक्सटेंशन कहलाता है, इससे डिटरमाइन करता है कोई भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर, इसको डिटरमाइन करता है किसी भी फाइल को कि ये फाइल कौन सी वाली है, किस किस्म की फाइल है। तो डॉट txt जो है वो टेक्स्ट फाइल के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बना ली, और टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद इसमें ज़ाहिर है कुछ थोड़ा बोटा टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा आप नोट करें जब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना तो यहाँ पे ऐसे गोल सा एक बबल बना हुआ आ रहा है इसके साथ, इसका मतलब ये है कि अभी सेव नहीं हुई ये फाइल, जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाऊँगा ना तो वो बबल गायब हो जाएगा, ठीक है। बबल गायब हो गया तो इसका मतलब है फ़ाइल सेव हो चुकी है। अच्छा इसमें अंदर ऑटो सेव का भी ऑप्शन होता है लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, और मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, आप चाहें तो ऑटो सेव ऑन कर सकते हैं, मैंने उसको डिसेबल ही छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ठीक है जी। अच्छा तो ये एक टेक्स्ट फाइल बनके तैयार हो गई। अब हमें जो है ना वो कमांड सारी चलानी है। अब इस टेक्स्ट एडिटर का एक और बेनिफिट भी है ना कि इन्होंने अंदर ही क्या दे दिया है, टर्मिनल बिल्ट इन अंदर बना के दे दिया। इस टर्मिनल को खोलने के लिए शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+Backtick, ठीक है। Backtick जो है आपके कीबोर्ड में एस्केप का जो बटन है ना उसके बिल्कुल नीचे होता है। मैं आपको अगर इमेज दिखा पाऊँ, कीबोर्ड की इमेज खोल के ना मैं आपको उसमें आइडेंटिफाई करा देता हूँ कि Backtick, क्योंकि Backtick वो बटन है जो बहुत ही कम यूज़ होता है, तो नाम से इसको जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली आप नहीं जानते होंगे। खुल जा भाई, खुल जा सैमसंग। अच्छा ये इमेज अभी लोड हो रही है। अच्छा ये एस्केप का जो बटन है ना टॉप पे, इसके बिल्कुल नीचे ये अलिफ मद्दा वाला बटन है और इसमें ये Backtick है। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये अलिफ मद्दा आएगा, हाइफन लिखा हुआ आएगा, और अगर बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो ये Backtick बना हुआ आएगा। तो जो VS कोड के अंदर आप क्या करेंगे, कंट्रोल, ये नीचे जो बटन है कंट्रोल का ये वाला बटन, और इसके साथ Backtick, तो ये Ctrl+Backtick दबाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Backtick से ये ओपन भी होगा और ये क्लोज भी होगा, ठीक है। ये मैं Ctrl+Backtick प्रेस कर रहा हूँ तो ये इससे ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। अच्छा ऊपर ये मेन्यू में भी एक ऑप्शन होता है इसका, यहाँ पे न्यू टर्मिनल करके लिखा हुआ आ रहा होता है ऊपर, ठीक है। ऊपर जो इसका जो मेन्यू है ना उसमें इसको हाइड कर सकते हैं माउस से ना, वो एरो छोटा सा एरो आ रहा है उसको दबाएंगे ये हाइड हो जाएगा, वो ऊपर एक एरो बना हुआ रहा है, हाँ यहीं पे एक एरो है ना ऐसे, वो शेवरॉन ऐसे बना हुआ है ऊपर इमोजी के नीचे। अच्छा तो ये जो टर्मिनल लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऊपर टॉप पे, इसमें भी जाके न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि कीबोर्ड से करें क्योंकि वो टर्मिनल में जाने में ना माउस यूज़ होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना माउस को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि माउस को वो पॉइंट करने में ना टाइम लगता है, कीबोर्ड से हाथ उठाना पड़ता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कीबोर्ड से काम करने की आदत डालेंगे ना शुरू दिन से।
अच्छा, तो मैंने ये टर्मिनल खोल लिया है। अब इस टर्मिनल के ऊपर ना मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने काफ़ी जूम इन कर लिया इसको। इस टर्मिनल में ना हम जो कमांड चलाएंगे वो इसी फोल्डर में चलेगी, ठीक है। तो आपके पास अब एक और ऑप्शन आ गया कि विंडोज़ में या तो आप उस जाएंगे फोल्डर में और उसके एड्रेस बार में जाके CMD लिखेंगे तो उस फोल्डर में ओपन हो जाएगा, या उस फोल्डर को आप VS कोड में जब ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर टर्मिनल बाई डिफ़ॉल्ट उस फोल्डर में खुलता है, ठीक है। आप जैसे कि टर्मिनल में लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये कहाँ खुला हुआ है, माई फर्स्ट रेपो के अंदर खुला हुआ है, ठीक है। विंडोज़ में भी जब आप टर्मिनल खोलेंगे VS कोड के अंदर तो आपके पास ना उस फोल्डर तक का पूरा पाथ आ रहा होगा, सी ड्राइव से लेके पूरा पाथ उस फोल्डर तक का यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा यार ये इसी फोल्डर में खुला हुआ है। यहाँ पे आके मैंने करना है गेट एड और फाइल का नाम, ठीक है, डॉट स्लैश और मेरी फाइल का नाम है TEX लिखा मैंने और बाकी टैब का बटन दबा दिया, तो ये क्यों नहीं पूरा हुआ। अच्छा पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, डॉट स्लैश अच्छा डॉट स्लैश के साथ नहीं हो रहा, पता नहीं वैसे हो जा रहा है, कोई बग है इसके अंदर ये बाय द वे, ठीक है। अच्छा डॉट स्लैश का मतलब ना लिनक्स में होता है कि इस फोल्डर के अंदर ना, तो मैं डॉट स्लैश का मतलब होता है ये फोल्डर, तो वो चलेगा लेकिन वो ऑटो कम्प्लीट उस पर चल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा ये तो उस केस में जब मुझे फाइल का नाम पता हो जो इन्होंने यहाँ पे बताया, बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं स्टैरिक भी लगा सकता हूँ। स्टैरिक का मतलब ये है कि इस रिपोजिटरी के अंदर जितनी भी फाइल्स मौजूद हैं तमाम का स्टेट चेंज कर दिया जाए, तो मैं इसको स्टेट को चेंज कर देता हूँ। अच्छा आपने नोट किया होगा यहाँ पे पहले यू लिखा हुआ रहा था, अब ए लिखा हुआ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट चेंज होने की वजह से, जो क्योंकि VS कोड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो स्पेशली कोडिंग को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया, तो इसीलिए यहाँ पर ये शो भी कर रहा है कि यार हाँ भाई ये मॉडिफाई हो गया। अच्छा अब देखिए मैं कुछ मज़ीद इसमें एडिटिंग करूँगा ना, तो ये M लिखा हुआ आ गया मॉडिफाइड, ठीक है। वेल अभी इसको आपने ज़्यादा वो नहीं करना, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा कि ये इनका क्या मतलब है। जब हम ये गेट वगैरह पूरा सीख जाएंगे ना तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा कि अच्छा ये अभी मॉडिफाइड है, अभी ये ऐड है, अभी स्टेज है, सही है। तो वेल मैं इसको गेट ऐड करके मैंने तमाम फाइल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ आ गया कि भाई ये फाइल क्या हो गई है, ऐड स्टेट में आ चुकी है, एडेड है। आ जाते हैं वापस हम उस आर्टिकल में। अगली कम एक तो ये हो गई ना, गिट ऐड फाइल का नाम या गिट ऐड स्टैरिक, दोनों हमने देख लिया कि यार दोनों कैसे चलती है। अक्सर ये होता है कि हम तमाम फाइलों का स्टेट चेंज नहीं करना चाहते, तो उसमें फिर फाइल का नाम एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। अभी हम सबका कर देते हैं, तो स्टैरिक गिट कमिट माइनस एम और उसके बाद ये कमिट का मैसेज, सही है। अच्छा आ जाते हैं जी, गिट कमिट माइनस एम और उसके बाद एक मैसेज, दिस इज़ माई फर्स्ट कमिट, सही है। कमिट का जो मैसेज है उसमें असल में हम ये बात लिखते हैं कि इस कमिट में काम क्या किया मैंने, वो बात लिखते हैं। और ये लिख के मैंने एंटर किया तो वो क्या हो गया, कमिट मेरा पूरा हो गया। अच्छा कमिट पूरा हुआ तो इसने एक मैसेज मुझे दिया है, इस मैसेज में मुझे बताया इसने कि वन फाइल चेंज हुई है, वन इंसर्शन हुई है, इंसर्शन का मतलब एक लाइन ऐड हुई है, और क्रिएट मॉड में ये फाइल बनी है, क्योंकि ये फाइल पहले से रिपोजिटरी में थी नहीं, अभी बनाई गई है, क्रिएट मॉड इसलिए वो जिक्र कर रहा है। उसका हैश कैलकुलेट करके दिया है मुझे इसने, 10644 ये इसका हैश कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये क्रेडिबिलिटी का भी चक्कर है कि गिट में एक बार आपने कोई चीज़ पुश कर दी तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, अगर चेंज करेगा तो ये हैश चेंज हो जाता है। वेल अभी ये आगे की कहानी है, अभी तो हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं कि बस एक फ़ाइल को अपने कंप्यूटर से उठा के github.com पे भेज दें, अभी तो हमें इतना काम करना है। अच्छा तो ये हमने कमिट का भी काम कर दिया, लिखा हुआ आ गया। यहाँ से आप देखें जो ए लिखा हुआ रहा था छोटा सा इस जगह पे, वो भी गायब हो गया। ये क्या हुआ, हाँ टेक्स्ट फाइल के साथ जो वो छोटा सा ए लिखा हुआ रहा था वो भी गायब हो गया वहाँ से, ठीक है, जो एम और ए लिखा हुआ रहा था। अब मैं दोबारा कुछ लिखूँगा फाइल पे और सेव करूँगा, तो यहाँ पे देखें वो दोबारा एम लिखा हुआ आ गया छोटा सा, ठीक है। बट मैं उसको कंट्रोल जेड करके मैं ख़त्म कर दूँगा उसको, ठीक है। तो वो अब जो भी था कोड वो कमिट हो चुका है, अब मज़ीद जो मैं कोडिंग लिखूंगा वो कहेगा अच्छा ये मॉडिफाई हो गई फाइल, फिर दोबारा मुझे ऐड और कमिट के चलाना होगा। अच्छा तो ये फाइनल स्टेट में आ चुका है, कमिट होने के बाद ना ये फाइनल स्टेट में आ चुका है। अच्छा अब क्या करेंगे, आप जितनी भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे वो इसी तरह से करेंगे, एक फ़ीचर कम्प्लीट किया, ऐड कमिट में एक प्रॉपर मैसेज, ठीक है, ये फ़ीचर कम्प्लीट हो गया। अब अगले दिन आप आए या उसी दिन आप कोई दूसरा फीचर काम करना शुरू किया, आप काम करना शुरू करेंगे, कोडिंग लिखेंगे,
लिख के वो चला के देख लिया, ओके हो गया, आप उसको ऐड करेंगे, कमिट करेंगे, प्रॉपर एक मैसेज लगाएंगे कि इस कमिट में मैंने ये काम किया। अब एक फाइनल काम लास्ट रह गया कि इसको github.com पे कैसे पुश किया जाए, है ना, ये काम रह गया लास्ट। अच्छा, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो अब आपकी होगी उसमें आप सब लोगों ने github.com का जो अकाउंट है ना वो बना के लेकर आना है। अच्छा, आइडियल केस तो ये हो कि इसी आर्टिकल में नीचे पुश करना बताया हुआ है, तो आइडियल केस तो ये हो कि आप खुद ही से कर लें पुश। अच्छा, लेकिन आप सब लोगों ने जितना अभी मैंने बता दी ये बात, इतना काम पहले तो अपने खुद से करना है, और यही सेम रिजल्ट्स आपके पास आ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार ठीक हो रहा है काम। अच्छा, लैपटॉप जिसके पास है वो लेकर आएगा, तो उसमें लॉग इन करके आपके गिटहब के अकाउंट में इसको पुश किया जाएगा कोड को, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब तक ये कंप्यूटर भी सारे फंक्शनल हो जाएंगे हमारे पास, और गिटहब में अभी तो मैं पुश करके दिखा दूंगा, लेकिन असूलन ये है कि आपको मैं बताऊंगा कमांड यहाँ पे लिखकर, आप सब लोग अपना अपना अकाउंट इन कंप्यूटर में लॉग इन करेंगे, गिटहब का अकाउंट वो अभी आपका बना हुआ नहीं है वो बनाना है आपको, और फिर वो कमांड चला के ना आप खुद से उसको पुश करेंगे github.com पे, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? जी मैं ये जिक्र कर दिया ना मैंने आपसे, github.com पे आप जाएंगे, ये github.com है ना जो, इस पर आप चले जाएंगे और यहाँ पे जाके ना साइन अप पे क्लिक करेंगे आप, वो आपसे एक दो सवाल पूछेगा, आपका ईमेल पासवर्ड पूछेगा, वो आपने देना है, हो जाएगा, ठीक है, आसान है। अगर मिसाल के तौर पे आपसे साइन अप ना हो अगर, तो नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ पे कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, या उससे भी बेहतर ये है कि आप जब साइन अप कर रहे हो तो किसी स्टेप में आप स्टक हो जाएं, आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या लिखना है, तो आप वो फ़ोटो भेजेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप का बन गया ग्रुप, वहाँ सब लोग ऐड हो गए, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, कौन लोग ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंट है कि साइन अप तो हो जाएगा मेरे से, फेसबुक पर तो साइन अप किया ना सब लोगों ने, तो बिल्कुल फेसबुक की तरह है, तो जितने सारे लोग देखें कॉन्फिडेंट हैं कि हर साइन अप तो मैं कर लूँगा, तो जब वो खुद कर लेंगे तो आपकी हेल्प भी हो सकता है वो कर दें, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।